भाई मैंने तेरी पोस्ट देखी, इतना लंबा कौन लिखता है, शॉर्ट में लिखा कर। वैसे किसके लिए लिखा था? एक्सक्यूज मी, एक मिनट भैया, ये एड्रेस बताइए ना। भैया, मेरा नाम भैया भैया नहीं है, मेरा नाम गौतम है। गौतम, हाय गौतम। हाय, ये पता देखो ना, ऑडिटोरियम का है। हाँ, ये तो मेरे घर के पास ही है। जीपीएस को क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, कब से गोल गोल ही घुमा रहा है। तुम्हें जाने का रास्ता पता है? आप नाच बलखा के में हारी थी ना? What? No. हाँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किस लिए? ये जीपीएस के भरोसे रहोगी तो कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। मैं रास्ता दिखा देता हूँ। ओके। नाइस कार। थैंक्स। ड्रेस भी काफी सुंदर है। थैंक यू। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी लेकिन पहली बार कोई दिल के आर पार हुई है। दिल के आर पार हुई मतलब? मतलब उस पार वो ऑडिटोरियम देखो सीधा सामने। ओके। गौतम, गाड़ी पार्क कर दो। मैं पार्क करूं? जल्दी पार्क करो, मेरी परफॉर्मेंस है। अच्छा सुनो, जल्दी आना, डांस शुरू होने वाला है। ए, कौन है तू? उसका भाई है क्या? आज सबको हुआ क्या यार? जिसको देखो भाई बना रहा है, भाई दिवस है क्या? मैंने उसको भी कहा था मैं भाई नहीं हूँ, गौतम हूँ। गौतम ए, दोस्त है? अरे अब क्या बताऊँ, अभी मिले दोस्ती हो जाएगी। बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड मेरे कॉलेज की लड़कियों पर डोरे डालता है, हिम्मत कैसे हुई? प्रोग्राम शुरू हो गया शायद। उसने बड़े प्यार से कहा था कि टाइम पे आ जाना, तो मैं चलता हूँ। अबे चा कहाँ रहा है? फिर हुआ क्या है बेटी? उसने नौकरी छोड़ दी पापा, कहा मुझसे कि राइटर बनना चाहता है, मेरी हेल्प चाहिए उसे और मैंने हेल्प की हुई, पर वो कुछ लिखता ही नहीं। बेटी, ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो अपनी दुनिया में खोया रहता है, उसे मेरी परवाह नहीं है पापा। बार-बार इल्जाम लगाती रही कि मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, हमेशा बोलती रहती हूँ लिखो लिखो, लिखना कोई आसान काम है क्या? एक नहीं तो नहीं 10 किताबें लिख चुका हूँ मैं, अपना खुद का लिखा हुआ पढ़ने के बाद खुद से घिन आती है मुझे। राइटर सिर्फ पढ़ने काले नहीं करते, अपने हाथ मुंह से लिखते, समझे? और इन सब में वो बात नहीं है, मैं लिखता नहीं हूँ इसलिए तुम मुझे छोड़ के गई ना। अब मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, देखना तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए।
हाय। कल तुमने उन्हें क्यों पीटा? उन्होंने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि तुम खूबसूरत हो। अच्छा ठीक है, रूम नंबर 5 कहाँ है? 4 के बाजू में। हे भरतनाट्यम। क्या फूल क्यों नहीं लगा? फूल मतलब? इस चिकन ड्रेस पर एक फूल लगा लेती तो बहुत अच्छी लगती। मैं यहाँ एग्जाम देने आई हूँ, किसी से दिल लगाने नहीं। हुँ? फूल लगा कर आना चाहिए था। क्या? अरे लिखो, एग्जाम नहीं देना है क्या? मेरा हो गया। लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो मैं तुम्हें देखूं। तुम्हारा नाम क्या है? साइलेंस। सॉरी, गलती से जोर से बोल दिया। तुम्हारा नाम क्या है? यामिनी। यामिनी? हाँ? बचपन से इतनी खूबसूरत हो या मुझसे मिलने के बाद हुई हो? लोग कोयले की खान में दब के मर गए। देखो देखो कैसे रो रही है। तुम्हारी उम्र की होगी, इसका पति कोयले की खदान में मर गया और वो उसको जिंदा देखने की चाहत में रो रही है। मैं तो फिर भी जिंदा हूं, मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो? ये प्यार नहीं है यामिनी, ये तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी ये अपनों को खोने का डर जानती है। देखो किसी अपने को खोने पर कितनी तकलीफ होती है। हमारी मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि मैं शहर में पला बड़ा हूं, तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अगर मैं गांव में पैदा होता तो हमारा रिश्ता कभी बनता ही नहीं। मैं इसके जैसी लड़की से मिलता और हमारी शादी हो जाती और बुरे वक्त में वो मेरा साथ देती, अपनी जान छिड़कती। काश मैं इस शहर में पैदा ही ना हुआ होता, काश मैं तुमसे कभी मिलता ही नहीं। अगर मैं हेलंदू में पैदा हुआ होता तो क्या रे छोकरे, ऐसा बीचों बीच काई को सोया रहा तू? चाय दे। तुम यहां हेलंदू में भी पहुंच गई, इसे भी छोड़ने का इरादा है क्या? तुम मुझे छोड़ के चली गई हो ना तो मेरी राइटिंग में क्यों घुस रही हो? सुवर्णा। चाय दे। ये लो चाय। 7 साल हो रहे हमारी शादी को और 6 साल का अपना बच्चा भी है, फिर भी आज तक डरती काई को रहे तू?
कभी तेरे पे हाथ उठाया मैंने, मारा तेरे को, सुबह मेरा हाथ चला दी। क्या रे इतनी सुबह सुबह को कहाँ जा रहा है? देखते नहीं बीएमडब्ल्यू मेरा इंतजार कर रही ना, कलेक्टर हो तो कलेक्टरेट के ऑफिस में जाऊंगा। 10वीं में 503 मार्क लाया था मैं, हमारे यहाँ के सारे अफसर लोग के बच्चों से ज्यादा नंबर था मेरा। दारू पी को तुमने हाथ तोड़वाया और तुम्हारी जगह मैं मजदूरी करने को जा रहा हूँ और बेशर्मों की तरह मुझसे पूछ रहे कहाँ जा रहा हूँ? खदान का मजदूर कहाँ जाएगा? खदान में ही जाएगा ना। 20 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी उठाना काफी नहीं था? जो ये अनपढ़ को मेरे गले में डाल दिए तुम, मेरे को कुछ भी समझ में आता, उससे पहले ये बच्चा 6 साल का हो गया। ऊपर से रोज की खिच-खिच, कहाँ पे जा रहा है, किधर को जा रहा है, आइंदा फिर से मेरे को सवाल पूछे तो दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। दूसरा हाथ तोड़ेगा तू? हाथ तोड़ ले, तोड़। ए ज्यादा बोलो मत, बैठो अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। नमस्ते। और सब लोग मेरे घर के आगे जमा क्यों हो रहे? अरे तुम कैसे भूल सकते हो भाई, आज इलेक्शन का काउंटिंग है ना, सबको पक्का यकीन है कि तुम ही जीतोगे, इसलिए सोचा कि सब एक साथ काम पर जाएंगे। ऐसा क्या? लेकिन मैं स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ छोटू को, बाद में आगे मिलता हूँ। ठीक है भाई, चल छोटू जल्दी बैठ, जल्दी संभल कर भाई, गिनती शुरू होने वाली, जल्दी आना। ठीक है ये पकड़ मत। श्रीनु ऑल द बेस्ट। ये याद इधर आ। हाँ भाई, केबल वाले को बोल के मेरे घर की लाइन कटवा दे। क्यों, केबल काम नहीं कर रहा है क्या? ज्यादा है, काम करने लगा है, जल्दी कटवा इसको, अंग्रेजी बोल रही है अनपढ़। ठीक है भाई। ब्लैक डायमंड कोल माइन के यूनियन लीडर का चुनाव कौन जीतेगा इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल्स का साथ दें। क्या रे चश्मे में एकदम हीरो लग रहा हूँ ना भाई, एकदम मस्त लग रहा हो भाई। क्या रे शीनू के बच्चे, वोट की गिनती अभी शुरू भी नहीं हुई और तेरे को लगता है कि तू हीरो बन गया, सबके सामने स्टाइल मारता है। वैसे तुझे क्या लगा था तो जीत जाएगा, वो भी यूनियन ऑफिस के सामने सब करने से। देखो पटनायक भाई, एक बात फोकड़ में बताता हूँ, 10 साल से तुम यूनियन लीडर बनते आए हो, वो भी एक तरफा चुनाव से, दहशत के मारे तुम्हारे सामने कोई खड़ा होता नहीं है, तो 10 साल के बाद मेरा जैसा कड़क लीडर तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत करता है तो तुम्हारी छुट्टी पक्की। वोटिंग तो सिर्फ नाम के लिए चेना, रिजल्ट तो सबको ही मालूम है। 7वीं पेटी के बाद श्रीनु 23 वोट से आगे। ए चुप रहो रे, चुप रहो रे, चल चुप कर। अबे जश्न मनाने की इतनी भी क्या जल्दी है? सुन बे, 7वीं पेटी की गिनती हुई है आखिरी नहीं है? 23 वोट ज्यादा क्यों मिल गए, तेरा तो पूरा स्टाइल ही चेंज हो गया। मुन्ना जंग भी जारी है, 10वीं पेटी खुलेगी, 20वीं पेटी खुलेगी, फिर तेरी पतलून खुलेगी, फिर क्या होगा? एनजीओ ओपन कास्ट। हाँ, एनजीओ ओपन कास्ट वाले भी हमारे साथ हैं, तो तू घर जाना बेटा और जाके आराम कर। ब्लैक डायमंड कोल माइन के यूनियन लीडर का चुनाव भारी वोटों से जीतने वाले युवा उम्मीदवार हैं, जी हाँ श्रीनु। अरे सुवर्णा, तुम्हारी माँ यहाँ पर आई है क्या? माँ यहाँ पर क्यों आएंगी, वो तो अपने गांव में है। तो तुम्हारे पापा जरूर आए होंगे है ना? पापा माँ के साथ गांव में होंगे, इधर काय को आएंगे? तो मेरी पीठ कौन रगड़ेगा? आ रही हूँ, आ रही हूँ।